दोस्तों आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया, जहाँ की राजकुमारी ने भी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है, जो इस समय काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी भले ही आज हिंदुओं से काफी ज्यादा हो, लेकिन हिंदू रिलीजन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें हर शख्स को किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन इस्लाम में ऐसे कुछ नियम नहीं है और शायद यही वजह है कि आज लाखों लोग इस्लाम की कट्टरता को छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को इस्लाम के कट्टर नियम कानून समझ में आने लगे हैं। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, और जो कुरान को नहीं मानता उसे मार देना चाहिए। इसके अलावा उनका मानना है कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और सभी को इसे कबूल करना चाहिए। आपको बता दी, कट्टरपंथी लोग जबरन दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उनसे इस्लाम धर्म को कबूल करवा रहे हैं। इस वजह से दुनिया में इस्लाम की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर तेजी से लाखों लोग सनातन धर्म को अपनाकर हिंदू रिलीजन में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया की राजकुमारी का नाम सबसे पहले आता है। और ये सब कट्टर मुस्लिमों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या है वजह, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6% मुसलमानों को अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आपको बता दें कि इस्लाम की सबसे पवित्र माने जाने वाली पुस्तक कुरान से भी लोगों का विश्वास उठने लगा है, और कट्टर मुस्लिम इसकी कॉपियों को सरेआम जला रहे हैं, क्योंकि कुरान में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो शायद उन्हें पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा कुछ लोग इस्लाम को इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनसे कट्टर मुस्लिम जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इंडोनेशिया के लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं और हिंदू रिलीजन को अपना रहे हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन एक टाइम पर इंडोनेशिया हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने अभी भी अपनी परंपरा को नहीं त्यागा है। पहली शताब्दी की शुरुआत में जावा और सुमात्रा द्वीप तक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम के आने के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव घटता चला गया और अब देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है। लेकिन देश के मुसलमान अभी भी हिंदू कल्चर से जुड़े हुए हैं और इंडोनेशिया के मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर है, जबकि इंडोनेशिया के कोने कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ हिंदू मंदिर बनने बंद हो गए थे। लेकिन इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि 1978 में इंडोनेशिया में सिर्फ फिर से मंदिरों को बनाना ही ना शुरू किया गया, बल्कि देश में जीर्ण हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम भी फिर से शुरू हो गया। जावा में रहने वाले हजारों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को फिर से अपनाना शुरू कर दिया और अब 70 साल की हो चुकी इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति बहन सुकुमावती ने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला कर लिया है और आज वो हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुकी हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी के सच साबित होने की बात की जाने लगी है, जिसमें कहा गया है कि मैं वापस आऊंगा और हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। इंडोनेशिया आज भले ही इस्लामिक देश है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग आज भी पुजारी सब्दा पालन की भविष्यवाणी को नहीं भूले हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों को भी उस भविष्यवाणी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। आपको बता दें कि यहाँ की संस्कृति में रामायण और महाभारत का प्रभाव भी हमेशा से बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सुकर्णो के समय में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल को इंडोनेशिया में रामलीला देखने को मिला। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन कैसे हो रहा है। यह सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। सुकर्णो ने तुरंत जवाब दिया कि इस्लाम हमारा मजहब है और रामायण हमारी संस्कृति। रामायण और महाभारत के इस प्रभाव के कारण इंडोनेशिया मुस्लिम धर्म के प्रति अट्रैक्ट हो रहे, साथ ही आज इंडोनेशिया के मुस्लिम लोग कुरान भी पढ़ रहे हैं और दूसरी ओर रामायण और महाभारत भी। इसके अलावा बता दें कि जावा में 15 बड़े हिंदू मंदिर खोजे गए हैं, जिनमें परबबन शिव मंदिर और बोरोबुदूर और बौद्ध विहार मुख्य हैं।
अकेले बाली द्वीप में 20,000 से अधिक मंदिर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त जकार्ता और अन्य द्वीप समूहों में ऐसे बहुत से मंदिर खोजे गए हैं, जिस कारण इंडोनेशिया के मुस्लिम लगातार हिंदू धर्म के अपने जुड़ाव को अनुभव कर पा रहे हैं, और यही अनुभव उन्हें हिंदू धर्म में लौटने के लिए इंस्पायर भी कर रहा है। इसके अलावा हिंदू धर्म में कन्वर्ट एक और बड़ा कारण ये है कि जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, वह है इंडोनेशिया में बढ़ रहा इस्लामिक कट्टरता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया के मुस्लिम सुल्तान हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने में सफल रहे, लेकिन यहाँ क्योंकि मुस्लिम राजाओं की सत्ता बहुत कम समय तक ही रही, इसलिए नए नए मुस्लिमों का उस हद तक इस्लामीकरण नहीं हो पाया जितना भारत में हुआ। यही कारण है कि पूजा करने का मेथड और कुछ छोटे मोटे रिवाज बदलने के बावजूद यहाँ के लोग हिंदू कल्चर में ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस मौजूदा समय में सनातन धर्म लगभग पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान फैला रहा है और अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे में हिंदुओं के लिए यह प्राउड की बात है, और क्यों ना हो, क्योंकि वर्षों बाद एक बार फिर सनातन कल्चर पूरी तरह से दुनिया में फैल रहा है। आपके इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट में बताएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।